Good morning, students. How are you? Welcome in your online GK class. Students, today we will do page number 22-23. हाँ जी बेटा, आज हम page number 22-23 करेंगे. So let's start from page number 22. Test your wisdom. First है, find the odd one out. One has been done for you. कि आपने जो अलग है, सबसे अलग, उसको फाइंड आउट करना है. ठीक है, फर्स्ट की पिक्चर दी हुई है बेटा, देखिए, पैरेट, कैट, लिजर्ट, आंट. तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? कैट. क्यों? इट इज़ नॉट लेइंग एग. ठीक है, बाकी जो है ये थ्री नेम है, ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं. बी है लोटस, बैम्बू, मैरीगोल्ड, रोज. तो सबसे अलग क्या है? बैम्बू. इट इज़ अ ग्रास. और रेस्ट जो थ्री हैं, ये क्या हैं? फ्लावर्स के नेम. सी है ग्लोब, पेपर, टर्मरिक, ब्रिंजल. ये थ्रीज नेम जो हैं, ये स्पाइसेस के नेम हैं. और ब्रिंजल इज़ अ वेजिटेबल. डी है मरकरी, वीनस, मून, मार्स. ठीक है, मून जो है वो सबसे अलग है. क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट का नाम है. और बाकी जो थ्री हैं, ये क्या हैं? प्लैनेट्स के नेम. ई है चिकन पॉक्स, मलेरिया, कॉलरा, यर्निंग. ठीक है, ये तीन जो हैं डिजीज़ के नेम हैं. और यर्निंग जो है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़. एफ है कार, मेट्रो, बस, स्कूटर. ठीक है, ये तीनों व्हीकल्स के नेम हैं. और मेट्रो जो है, ये क्या है? ट्रेन. सेकंड है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टिक द करेक्ट वंस. ठीक है, जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनको रीड करना है, और जो आंसर है वो आपने टिक लगा के लिखना है. ए है ईटिंग जंक फूड कॉजेज मैनी डिजीज़. कि अगर हम जंक फूड खाते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं. तो क्या है ये? करेक्ट. ठीक है, सेकंड है लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. तो ये भी क्या है? टिक. थर्ड है एनाकोंडा इज़ द शॉर्टेस्ट स्नेक. तो ये क्या है? रॉन्ग. क्योंकि एनाकोंडा जो है ये लार्जेस्ट स्नेक का नेम है. डी है सैटर्न हैज़ लाइफ एंड वाटर. तो ये क्या है? रॉन्ग. क्यों? क्योंकि सैटर्न के ऊपर ना ही पानी है और ना ही लाइफ पॉसिबल है. ई है जेंट पांडा इज़ द रेयरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. तो ये क्या है? करेक्ट. क्यों? क्योंकि जेंट पांडा जो है ये वर्ल्ड का रेयरेस्ट एनिमल है. लास्ट है अवर सोलर सिस्टम हैज़ 9 प्लैनेट्स. तो ये क्या है? रॉन्ग. क्यों? क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. नेक्स्ट आइए पेज नंबर 23. थर्ड है अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ द फ्लावर्स. कि नीचे कुछ फ्लावर्स के नेम दिए गए हैं, लेटर्स को रीअरेंज करना है. ए है स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो कौन सा है फ्लावर? ऑर्चिड. बी है स्टेट फ्लावर ऑफ गुजरात. तो कौन सा नेम है बेटा? मैरी गोल्ड. सी है स्टेट फ्लावर ऑफ आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है? वाटर लिली. और डी है स्टेट फ्लावर ऑफ पंजाब, दैट इज़ लोटस. फोर्थ पे आइए, रीड द फॉलोइंग क्ल्यूज एंड सॉल्व द गिवन पजल. कि क्ल्यू दिए गए हैं, इनको रीड करना है, और जो नीचे पजल दी है इसको सॉल्व करना है. ए है इट बूस्ट ब्रेन पावर. कि हमारी ब्रेन की जो पावर है उसको कौन बूस्ट करता है? बनाना. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बी ए एन ए एन ए, बनाना. सेकंड है द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, एलिफेंट. ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. थर्ड है ए बर्ड दैट कैन फ्लाई इवन बैकवर्ड. कि ऐसा बर्ड जो बैकवर्ड फ्लाई करता है उसका नेम क्या है? हमिंग बर्ड. एच यू डबल एम आई एन जी बी आई आर डी, बर्ड. फोर्थ है द फास्टेस्ट एनिमल. ठीक है, तो आंसर है बेटा चीता. सी एच डबल ई टी ए एच, चीता. फिफ्थ है फीवर विच वन गेट्स ड्यू टू मॉस्किटो बाइट. कि मच्छर के काटने से जो फीवर होता है उसका नेम क्या है? मलेरिया. एम ए एल ए आर आई ए, मलेरिया. ठीक है, फिफ्थ है कीप इट इन द माउथ एंड योर टूथेक गोज़ अवे. कि इसको हम अगर अपने मुंह में रखें तो हमारे दांतों का जो दर्द है वो
चला जाता है तो क्या है, ग्लोब, CLOVE, ग्लोब। और लास्ट है रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी का जो रिच सोर्स है दैट इज सन लाइट, SUNLIGHT, सन लाइट। ओके नेक्स्ट है बेटा होमवर्क, और होमवर्क में आपने पेज 22 और 23 जो आज हमने किए हैं इनको कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। इज़ इट क्लियर? ओके थैंक।